फिर चालू हो गए जी, तुम पूरा महफिल जमा के बैठे हो। आइए आइए पांडे जी, कैसा रहा बनारस का ट्रिप? ए सैंड्रो, फिर साले 2 घंटा लेट। अरे भाई मैं क्या करूं, मुंबई की फ्लाइट 2 आवर डिले थी, तो मेरी क्या गलती। वैसे बाकी सबका सस्ता एक्टर, एक्टिंग बहुत अच्छा करता है, लेकिन वीडियो में डाला कर भाई रोना आ जाता है। हरे करियवा मुझे नहीं पता ये सब क्या है, वापस रख दे भाई। अब तो खेलेंगे भाई, कहां है ये सब देखेंगे भाई। सारा व्यवस्था हो जाएगा जी गुरु जी, सब ठीक से। ठीक है गुरु जी, प्रणाम। ये क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग, ये खेल ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे भी आज अमावस्या की रात है, मुझे आभास हो रहा है कि आज कुछ बुरा होने वाला है। सुनिए भैया जी, लटपट मत करिए, गेम खेले खेले संडे से घर जाइए। ठीक है भाई, तो फिर खेलो और झेलो, बंद करिए और बैठिए। इस गेम को शुरू करने से पहले इससे कुछ नियम लिखे हुए हैं। ये गेम के नियम है, ये गेम शुरू करने से पहले मैं इस गेम के नियम तुम लोगों को बता देता हूं। ये गेम शुरू होगा तुम्हारी मर्जी से और खत्म होगा मेरी मर्जी से। गेम को खेलने वाले इस गेम को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इस घेरे के अंदर सबकी हाथ कमजोर दिल वाले इस गेम को ना खेलें। जिस जगह आपकी यात्रा खेल में रुकेगी, उसी जगह के कुछ बीते हुए लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं। जब तक आप उनकी कहानी को पूरा नहीं करते हैं, यह खेल खत्म नहीं होगा। छोड़िए ना पांडे जी, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, कुत्ता रो रहा होगा बाहर। चलो तो, मैं तो शुरू में ही बोला था कि मत खेल, लेकिन तुम लोग कुछ सुनता नहीं है। मुझे नहीं खेलना ये सब गेम, मैं तो घर चला, मेरे बगल में है। अधूरी कहानी को करोगे पूरी, वरना रह जाएगी तुम्हारी जिंदगी अधूरी। ये गोटी जाके नेत्रहाट में रुका है। लगता है अधूरी कहानी है नेत्रहाट की कोई। तो इसका मतलब अब जल्द से जल्द हम लोग को नेत्रहाट निकलना पड़ेगा कहानी को पूरा करने के लिए। मैंने कहा था ना इस गेम को नहीं खेलना है। चलो जल्दी निकलते हैं, सबकी जान खतरे में है।
हुआ क्या? अब आओ जी, ये बंगला यहीं पे है। भाई 15 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ ठीक ही बोल रहा है। अरे थोड़ा चूना मिल जाता तो। अरे यार इधर तो नैना की जो अधूरी कहानी है उसके बारे में कुछ पता लगाना था। आइए हम आपको बताते हैं। ये है जंगल, यहाँ रहते हैं जंगली जानवर। आइए आप लोगों को नैना से मिलाता हूँ। ये है नैना। नैना जो थी वो रानी की सहेली थी। वो अपने शादी से एक दिन पहले फांसी लगा ली थी इसी पेड़ पे। कहाँ है नैना? आखिर ये नैना है कौन? लगता है काली ने हमें बेवकूफ बना दिया। मुझे तो शुरू से ही उस पे शक था। यहाँ रुकना हमारे लिए सही नहीं है, हम सबकी जान खतरे में है, तो चलते हैं। रोहित कहाँ गया? रोहित अरे ये तेरे हाथ में क्या है भाई? मुझे नहीं पता। मेरी कहानी, मैं हूँ राजा मैग्नोलिया की बेटी। बात उन दिनों की है जब मैं एक चरवाहे से प्यार करती थी। हम दोनों छुप छुप के मिला करते थे और हमें शाम का डलते हुए सूरज बहुत पसंद था देखना। पर अचानक ये बात मेरे पिता को किसी ने बता दी और एक दिन उस चरवाहे की मौत हो गई। मुझे पता चला कि मेरे चरवाहे के पीछे उसकी मौत का कारण मेरे पिता है। और फिर ये कहानी अधूरी क्यों? इधर ये पलटिए ना, होगा आगे। अरे यार अर्पित कहाँ है यार? अर्पित दिखाई नहीं दे रहा भाई। अर्पित कहाँ भाई? अर्पित अरे यार अर्पित कहाँ? देख 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 अर्पित दिखाई नहीं दे रहा भाई। अर्पित कहाँ है? वो तो न्यूजीलैंड के, उसको तो इस एरिया के बारे में पता भी नहीं होगा। अरे क्या पता रूम चला गया होगा। चलो रूम में जाके एक बार चेक कर लेते हैं। रूम जाके एक बार रूम में। भाई यहाँ पर भी नहीं है। अरे भाई इधर भी नहीं है।
कॉरिडोर में चल के देख लेते हैं। ठीक है चल। नहीं इधर तो नहीं था। अरे तो आप क्या करना? जब तक हम लोग साथ हैं तब तक जिंदा है। याद है ना काली ने क्या कहा था? भाई माचिस है? माचिस तो नहीं है। नहीं माचिस नहीं रखा। लगता है यहाँ आप लोग घूमने आए हैं। वैसे तुम कौन हो? यहाँ का हर एक रास्ता मुझसे पूछ के जाता है क्योंकि मैं हूँ यहाँ का मिनी गूगल। वैसे हम लोग को जाना कहाँ है? दक्षिण पूर्व दिशा में जाना है। जाना कहीं भी हो पहले पूरा इलाका घूम के समझना होगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मिनी गूगल इज बेस्ट। फॉलो मी। ये है नेतरहाट का सबसे महत्वपूर्ण जगह सेले हाउस, जहाँ रानी रहा करती थी। मुझे यहाँ बुरी शक्तियों का आभास हो रहा है। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। यहाँ ये सब होते रहता है, नॉर्मल सी बात है। आइए ये है रानी का बेडरूम। बेड कहाँ से बना हुआ? हाँ भाई लकड़ी से बना हुआ है ये सब पेंटिंग। हाथ मत लगा भाई, हाथ मत लगा। माँ है और वो चरवाहा है जिनको रानी से प्रेम हुआ था। अच्छा ये है नेतरहाट का अनोखी शाम मंगोलिया सनसेट पॉइंट। रानी क्या बताओ, इसे बताते हुए मैं दर्द उठता है लेकिन क्या करूं, मजबूरी है बताना। आइए और उनके याद में ये रहा चरवाहा और मंगोलिया रानी की मूर्ति, और ये रहा वो घोड़ा जो साथ में छलांग लगाया था इन दोनों के प्यार के लिए। हमारे पास समय बहुत कम है, कैसे भी करके इस जंगल से बाहर निकलना होगा और ये पहली सुलझाना पड़ेगा। सुबह होने से पहले अगर हम चरवाहा के घर तक नहीं पहुंचे तो सबकी जान खतरे में है। हमें वो चरवाहा के घर तक बस मिनी गूगल ही ले जा पाएगा। मिनी गूगल कहाँ गया? वो देखो जा रहा है मिनी गूगल। मिनी गूगल हम इस जंगल के बीच से हम लोग को कौन बाहर निकालेगा? मिनी गूगल भी भाग गया। यहाँ तो जंगली जानवर भी है, अब कौन ले जाएगा हमें? क्या हुआ भैया जी, रात बिताने के लिए जगह खोज रहे हैं क्या? वैसे तुम कौन हो? हम अरे हम तो वो हैं जो भटके जंगल में लोगों को रास्ता दिखाते हैं। क्या तुम हमें चरवाहा के घर तक ले जा सकते हो? ले के तो जा सकते हैं पर उसके लिए कुछ लगेगा। और एक बात, हम चरवाहा का घर दूर से ही दिखा सकते हैं क्योंकि हम बचपन से ही उसकी कहानी सुनते आ रहे हैं। ओ भाई साहब वो सिगरेट मुझे दे दो और चलो। Thank you.
बाबूजी आप लोग यहाँ से अभी तक गए नहीं है। ये इलाका बहुत ही खतरनाक है, यहाँ से निकल जाइए वरना निकल जाओगे। वो लोग कहाँ गए? अरे भाई वो लोग बहुत आगे हैं। यही वो जगह है जहाँ चरवाहा रहता था, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। अब हम लोग के पास सिर्फ 2 घंटा बचे हैं, इसके बाद हम लोग का किसी का भी जान जा सकता है। इतना दूर आने के बाद भी कुछ अभी तक खासी नहीं हुआ भाई। क्या कर रहे? वो सब तो ठीक है, लेकिन किसी ना किसी को तो अंदर जाना ही होगा, और अंदर कुछ नजर भी नहीं आ रहा। ऐसा करिए आप अंदर चले जाइए। दीपक, अबे दीपक, क्यों आए हो यार? तुम लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ नहीं आना चाहिए था। दीपक दीपक भाई मजाक मत कर यार, पहले से फटा पड़ा हुआ आपका। दीपक क्या हो गया भाई इसको? तुम जैसे लोगों की वजह से मेरी रानी मारी गई। अबे भाई दीपक मजाक मत कर यार, किसी को नहीं छोड़ूंगा। दीपक यार पहले से फट। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मेरी रानी मारी गई। बचाओ भाई पांडे जी।